हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जीरो बैलेंस अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं, साथ ही साथ वर्चुअल डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे बैंक आपको बताने वाला हूं जिसमें आपको जीरो बैलेंस के साथ वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको एक भी पैसे का चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो बैंक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें आप कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है। देखिए, यहाँ पे जितने भी बैंक्स बताऊंगा वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डेबिट कार्ड सेंड कर देते हैं, क्योंकि बैंक को बेनिफिट उसी में है। अगर आपको डेबिट कार्ड नहीं देंगे तो बैंक को बेनिफिट कैसे होगा। लेकिन मैं आपको जितने भी बैंक बताऊंगा उस डेबिट कार्ड का चार्जेस बहुत ही कम है। जैसे कि कोटक बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट, तो वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। डेबिट कार्ड अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेंड होता है तो उसमें आपको 199 रुपये का सालाना चार्जेस देना होता है। इश्यूएंस का आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता है, लेकिन आपको एनुअल चार्जेस आपसे बैंक लेती है 199 रुपये। अब कोई भी इंसान 200 रुपये एक साल में अब डेबिट कार्ड के लिए हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। दूसरा जो बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, गवर्नमेंट बैंक है, जिसमें आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के मोबाइल बैंकिंग में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल आप कहीं पे भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए कर सकते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, UPI आप यूज़ कर सकते हैं। अगला जो बैंक है वो है ICICI बैंक की तरफ से ICICI माइन सेविंग अकाउंट, जिसमें आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और इस बैंक में भी आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है। अगला जो बैंक है वो है PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है। देखिए, जो भी बैंक्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, उसमें आपको थोड़े बहुत पैसे रखने होंगे, जैसे 500-1000 अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है और इतना आपको मेंटेन करना होगा किसी। जैसे कि PNB बैंक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी नहीं देता है, तो उसमें आपको जो भी आपके एरिया के अकॉर्डिंग पैसे मेंटेन करना है वो तो आपको करना ही होगा। इसी तरह से आप सेंट्रल बैंक में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है। जितने भी मैंने बैंक बताए आप घर बैठे अपने फ़ोन से ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, आपको ब्रांच जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ जितने भी बैंक्स हैं, लगभग बहुत सारे बैंकों में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है। तो मैंने जितने भी बैंक्स बताए वो मैंने आपको वो बैंक्स बताए जिनमें सबसे बेस्ट सर्विसेज है और सबसे अच्छा है, और बहुत ही आसानी से आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड इंस्टेंट ही आपके मोबाइल बैंकिंग में एक्टिवेट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।